एक चीज मेरा और भी सुनना भाई कि अब गज की भविष्यवाणी करी है बा एमपी साहब का हार की करी है। मैं एक बात बताई कि लगातार 3 चुनाव जीतोगा दुनिया में कोई हैरानी को नहीं है। अच्छा। तो लगातार एमपी साहब 3 चुनाव जीतगा। अच्छा। और भी के बाद मतलब एमपी साहब से जुड़ी एक चीज़ और बताऊं वारिस के लिए, जो मतलब एमपी साहब के 23 दिसंबर ने पोतो हो। अच्छा। बात चीज़ में 11 महीना पहली बताई कि 23 जून 2023 से पहली थारे परिवार में वारिस आ रहे। अच्छा। भविष्यवाणी जगह करी जा बिल्कुल लो की लीग बिल्कुल में माने जा मांगो तो सो क्यों मिल मांगे जो सब मांग मिल जाएगा सो क्यों मिले सो मैं भी 10 लाख सब्सक्राइबर मांग जाऊँ चल कोगले मिल जाएंगे बिल्कुल मिलेगा साहब मिलेगा सरदाओं मांगोगा तो सो क्यों मिले सरदाओं मांगा अगर मेहनत कराऊंगा। राम राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे देख रहा हूँ झलको झुंझुनू और आप जो को अपना भारत जो को वो बिल्कुल मंदिरा को जो को देश बिल्कुल खेजा हर जगह जगह गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर जो को अपना मंदिर देखने मिल जाएगा। और आज आप ही मंदिर के अंदर आया हाँ फुसकानी गांव के अंदर के वह खास बात है कि खास बात है कि रहेगी उरज की भी भविष्यवाणी जगह करी जा बिल्कुल लो की लीग बिल्कुल भी माने जा कि भविष्यवाणी वाला मंदिर जो है वो भी आप खेज सका हाँ के यूनिक बात ही की है बातचीत आप कराँगा सबसे शेयर कर देना वीडियो ने लास्ट तक देखना। राम राम जी। राम राम जी। मंदिर यो जो को मंदिर है पहले तो बताओ कि नाम की है जोड़ियाल बालाजी है रोहिडा को जोड़ी को बालाजी बन रोहिडा को जोड़ी को बालाजी है रोहिडा को बालाजी मान्य जाए। अच्छा कितनों के पुराना मंदिर है? बहुत पुराना मंदिर है लगभग 225 वर्ष पहले को। अच्छा रोहिडो हो। अच्छा तो मैं तो एक मान बार हमने 30 साल पहले पूजा करी है रोहिडो पेड़ हो रहा है अभी है। अच्छा अच्छा वो सामने दिख रहे थे को अभी है। अच्छा एक की वजह से रोहिडो को बालाजी मतलब हाँ रोहिडो को बालाजी प्रकट हो। राम राम जी। राम राम जी। तो सुनने में यह आई कि उरज जो वो थारा द्वारा जी की भविष्यवाणी करी जा है बा बिल्कुल सही जा है काफ़ी गांवड़ा से लोगों से मैं सुन रही है कि कड़े से कहानी की शुरुआत हो रही है की बात है ये कहानी तो देखो साहब बहुत दिना से चल रही है लेकिन पहली पहली तो मेरे खुद के ही समझ में को नहीं आती कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं अपने सारे लेकिन समझ में आने के बाद में बहुत आदमी आज भी ये चीज़ ने माने को नहीं लेकिन थाने मतलब मेन में कहानी बताऊँ ज़्यादा लोगों में ध्यान हो एमपी साहब ने मैं एक बात बताई कि लगातार 3 चुनाव जीतोगा दुनिया में कोई हैरानी को नहीं है। अच्छा। तो लगातार एमपी साहब 3 चुनाव जीतगा। अच्छा। और भी के बाद में मतलब एमपी साहब से जुड़ी एक चीज़ और बताऊं वारिस के लिए जो मतलब एमपी साहब के 23 दिसंबर ने पोतो हो। अच्छा। बात चीज़ में 11 महीना पहली बताई कि 23 जून 2023 से पहली थारे परिवार में वारिस आ रहे। अच्छा तारीख बता दी। हाँ 23 जून 2023 से पहली जबकि 23 जून काल ही। अच्छा तो अगर 23 दिसंबर नहीं हो 11 महीना पहली यह चीज़ बताई है। अच्छा जबकि परिवार का लोग बात चीज़ की चीज़ बताई थी कि मतलब एमपी साहब ने बताई या फिर गांववाला ने बताई कि इनकी सब ने बताई गांववाला ने भी बताई कि 23 जून से पहली मतलब एमपी साहब की वारिस आओ। अच्छा सब ने मेरे गांव में पूरे गांव में चर्चा ही कहें था ना कहें कोई जाए कोई बालाजी की तरफ से कोई संदेश आवे फिर कहें कहें बेरो पड़े नहीं साहब बालाजी की तरफ से संदेश आवे मेरा गुरु है विभासराव गुलाबगिरी बाबा जी। अच्छा प्रभा को मन दीड़ो जीवनदान मतलब सबसे पहले भाई मेरे को संदेश पहुंचाओ। अच्छा भाई भी बालाजी का सेवक हूं मैं भी बालाजी का सेवक। अच्छा आज की चीज़ को प्रोग्राम चल रहे हो रहे आज साहब एमपी साहब के मतलब जो पोतो हो भी की खुशी में इजा स्वामी को प्रोग्राम रखे। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ कि एक चीज़ मेरा और भी सुनना भाई कि अब गज की भविष्यवाणी करी है बा एमपी साहब का हार की करी है मणगारण की करी है अब कल नहीं अब तो कोई मैं मतलब भविष्यवाणी को नहीं बस मेरे व्यक्तिगत विचार है व्यक्तिगत विचार है। हाँ वह कोई भविष्यवाणी को नहीं है बस 23 जून को टाइम हो 23 जून के बाद में प्लान करता अभी के बाद में के संदेश मिलते वो सुनाता अभी तक संदेश मिले को नहीं था ना ना गए को 23 दिन में प्लान करेगी को नहीं भी से पहले जागे है जागड़ा मतलब ये मतलब स्वामी स्वामी करें मतलब भगवान स्वामी की को नहीं। अच्छा मतलब 23 दिसंबर के बाद में अठे पूछा को नहीं पूछा को नहीं तो मंदिर में पूछने की बात तो कल आगे आएगा पूछ गया 23 दिसंबर 23 दिसंबर रात की 11:27 पर मेरे प्लान हो। अच्छा भी के बाद में जाके आपने तो मतलब सच्चो दरबार विवासर दरबार है बड़े जाके अर्जी लगाओ अभी की सुनाई हो जाए वो संदेश अब सुना दे। अच्छा तो मतलब टाइम पर जगह में एमपी साहब आ गए तब के लगे कि वो जो थे व्यक्तिगत विचार है कुछ बदल जाएंगे दादा नहीं अब देखो राजनीति के बारे में कोई भविष्यवाणी को नहीं करूँ आगे। अच्छा नहीं पीछे पीछे तो तय करी पीछे करी तो लगातार 3 चुनाव के अन बताई वह जीत का। अच्छा आगा को विचार उनकी बताना आगे को कोई के लिए कोई विचार को नहीं आप। अच्छा तो मैं बताओ कि बालाजी की जहाँ बात करें तो जाटी का नीचे बालाजी है बाहर जगह देखा यहाँ चाहे कोई खेत हो चाहे कोई गांव हो रोहिडा के बालाजी की क्या महिमा है? रोहिडा के बालाजी की महिमा है पुराने टाइम में मतलब आपने जहाँ राजपूता का शासन हो। अच्छा तो हमारे गाँव के ठाकर ने आस पास का कई गाँव मिलेड़ा। अच्छा
तो बन खेतरी दरबार वो गढ़ बनवा के दियो, तो गढ़ का किवाड़ बनाने के लिए रोडन काटने की सोची। अच्छा। ठाकर साहब मतलब या मजदूर भेज दिया। ठीक है। तो वह पहली कुआड़ मारी जाए कि मार रोडे से निकलो खून। अच्छा। और मजदूर आए वह बीमारों की पड़गा। अच्छा। दी के बाद में ठाकर साहब बदल बदल की मजदूर भी भेजे, बोले थारी काटने की नीत को नहीं। अच्छा। तो बी के बाद में ठाकर साहब खुद आंधा होना शुरू होगा। अच्छा। मतलब लगभग कम हाँ 90% जो चली गई वहाँ की। अच्छा। तो फिर कोई मंदिर में जाके पूजा करवाई जहाँ, बोले वो रोयडो घणो शानदार है, बनालीगढ़ का किवाड़ है। अच्छा। तो बोले बाबा बनी जी की है ना, अब 20 बीघा है, 25 है, 30 है, बोले बालाजी की बनी रहेगी और अठे बदलो जाट जाटनी की भक्ति करेड़ी है, इनका माँ बालाजी की शक्ति बांके द्वारा जगाएड़ी है, वो बालाजी को रोयडो है, बालाजी को ही रहेगा। अच्छा। तो जद को मंदिर बने रहो लगभग 200 साल पुराना बताओ, निकली मूर्ति मारती कुछ ही को निकली साहब, मतलब जो चमत्कार दिखाए भी के अनुसार ही है और एक मतलब सच्चे मन से कोई भी आगे मनोकामना मांगी है तो बाबी की पूर्ण हुई है। बालाजी को मंदिर है पे जाए और मंदिर भी हो रहा है, बालाजी को है, शिव जी को मंदिर भी बाद में गांव का बना लियो। राम राम जी। क्या नाम बताओ? मेरा नाम सुनील है, गांव भोजा सर है। सुनील जी मैं बताओ कि ये मंदिर के बारे में बताया गया कि बहुत ही मान्यता है, और साथ में एक चीज़ और भी सुनना आई कि और जगह भविष्यवाणी हो जाए, बाबी सही हो जाए, के खड़ा हो नहीं कि मान्यता यह है जो रोयडा बालाजी का नाम जाने जाए। बिल्कुल। यार मैं तो मंगलवार शनिवार ने मार तो उरे नज़दीक की डाणी है झाजड़िया की उरे भोजा सर की। अच्छा। भी वहाँ आता है रहा जना या पहले वो पुराने टाइम में है यो मंदिर, तो बाद में को बनेड़े वो पहले को ही बनेड़े। अच्छा, वो वो पुराना मंदिर वो ही है। अच्छा। हाँ यो अब बनाया तो मांगो तो सो की मिल जाए। मांगे जगह सब मांग पूरी सो क्यों मिले सो क्यों मैं भी 10 लाख सब्सक्राइबर मांग जाऊँ चल को मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेगा साहब, मिलेगा सरदाऊँ मांगोगा तो सो क्यों मिले, सरदाऊँ मांगा अगर मेहनत कराऊंगा। बिल्कुल 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 सो क्यों मिलेगा, जो मांगोगा बस हर चीज़ में। तो एक भविष्यवाणी की भी चर्चा मेरे कन्ने झुंझुनू तो पूछी कि उरे जहाँ भाई साहब बता रहे हैं कि भविष्यवाणी आना करी चुनाव ने लेके और लेके, तो वे भी बिल्कुल सच हुई है। अब देखो भविष्यवाणी के बारे में तो क्या बता सकता, बाकी मान्यता है मंदिर की अर्ज की श्रद्धाओं अगर कोई चीज़ मांगी जाए तो वह हर चीज़ मिले। तो सबको जो ये कहना है कि रोयडा का जो को बालाजी है यूनिक बिल्कुल चीज़ है, बिल्कुल एक तो वही होगी क्योंकि आप मोस्टली जगह देखा होंगे कि जाटी के नीचे बालाजी हुआ है, और रोयडा को जो को बालाजी की अलग ही महिमा है, और साथ में बता रहे हैं कि कुछ भी अगर सच्चे दिल से मांगे हैं तो वह अनुभव पक्को मिल जाए है, और भविष्यवाणी जगह साथ में हुई वो भी जो वो एक यूनिकनेस जगह है भाई मंदिर की बना दे है, और आगे की के भविष्यवाणी रहेंगी भी चीज़ लगी अगर कोई यहाँ को विचार आयो तो आप बन से भी दोबारा आप से बातचीत करने की कोशिश कराऊंगा। अभी तक थाने वीडियो से केल आ गया है कि मंदिर जो कोई अंदर है सच्चे मन से जाने से जो वो केल आ गया है कि मनोकामना जगह पूरी हुई को नहीं था, मैंने कमेंट से जरूर बताओगा, वीडियो शेयर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ करो प्यार ऐ बनाए रखो।